सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। इस हालत में सीढ़ियां चढ़ने की क्या जरूरत थी? आज फिर दर्जी आने वाला है, बेचारा 4 दिन से पैसे मांग रहा है। आज नहीं, कल आने को कहना। नहीं, आप रोज टालते हैं, आज मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजूंगी। मेरी समझ में नहीं आता, दर्जी को हर महीने क्यों बुलाया जाता है? इतनी चोलियां सिलवाती क्यों हूं? कभी कोई तो पहनता नहीं। भगवान जाने इस महीने का खर्चा कैसे निकलेगा। और 2.5 आने चाहिए, नीचे वो सब्जी। एक आना नहीं मिलेगा, संभाल के। दादी, स्कूल जाने में देर हो रही है। हाँ, ये चिट्ठी अपने हेडमास्टर को दो। हेडमास्टर? आओ। लक्ष्मी, तुम स्वामी से बात करना चाहती थी ना, ये लो बैठो। मेरे पास आओ बेटे। खाना खाया? मुझसे बात नहीं करोगे? माँ, तुम बीमार हो? दादी माँ, माँ बीमार है? नहीं रे, बीमार नहीं है वो, उसे तू चिंता मत कर, सो जा। हाँ। रहने दीजिए मिस्टर पिल्ले, मैं उतर जाऊंगी। आइए डॉक्टर, आइए आइए। नमस्ते। अच्छा वो आप आ गई, काफी देर से दर्द शुरू हो गया। चिंता की कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। थैंक यू वेरी मच। इस तरफ। श्रीनिवासन, श्रीनिवासन, ये दवाइयाँ श्रीनिवास। गुड, मैं दे आता हूँ सर। नहीं नहीं ठीक है, सॉरी। वेंकन्ना, 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 जल्दी गर्म पानी। हाँ ला रहा हूँ साहब। चामी, चामी, ओ चामी, उठ आलसी कहीं का, मजे की बात देखना नहीं चाहता तू? चल 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 चल। ऐसे ये रही वो मजे की बात, तेरा अपना छोटा भाई। कैसा लगता है तेरा छोटा भाई? हा? इसका चेहरा इतना लाल क्यों है मेरा जैसा? जब तू पैदा हुआ था तब ऐसा ही था राजा। चामी कहो, चामी, चामी। माजी, प्रसाद। मामा, मा, मुझे नींबू का अचार दो ना। अभी नहीं स्वामी, रात को खाने के साथ दूंगी। मिस्टर नारायण, कल ही उन्हें नोटिस भेज देते हैं।
शायद डर के मारे कानूनी कार्रवाई ना भी करें। जैसे आप कहें। ठीक है, अच्छा है वकील साहब। स्वामी, तुम अभी तक पढ़ाई करने नहीं बैठे? परीक्षा आ रही है, भूल गए? जाओ जाओ। पढ़ाई के अलावा सब कुछ करता है। माँ, माँ, आज शाम को नाश्ते में क्या बनाने वाली हो? अभी शाम होने में बहुत देर है, बाद में सोचूंगी। अच्छा सा कुछ बनाना, मीठा कुछ। मीठा? हाँ। अरे आज बात क्या है रे, टोपी ओपी पहने हो? आज राजम आने वाला है। राजम? हाँ। और माँ, मुझे रोज देती हो ना वो गंदी कॉफी मत बनाना, अच्छी मीठी और गर्म कॉफी बनाना। और मामा, माँ आज मैं कॉफी और नाश्ते के लिए यहाँ ना आऊँ तो चलेगा? मेरे कमरे में भेज दोगे? पाजी दूध। ए, ये गंदी धोती पहनकर राजम के सामने मत आना। साफ सफेद धोती और ऊपर कमीज पहनना, अपना पेट मत दिखाना। लक्ष्मी, लक्ष्मी कॉफी। माँ, वो घर पर ही रहेंगे? कौन? पिताजी। क्यों? मुझे उनका कमरा चाहिए सिर्फ 2 घंटों के लिए। तो जाके पूछ लो। माँ तुम्ही पूछो ना। नहीं, अभी मुझे बहुत काम है, तुम ही पूछो। माँ ये कॉफी पिताजी के लिए है। हाँ। कहीं नहीं पिताजी। और कल इस वक्त कहाँ गए थे? यही था। झूठ मत बोलो। चलो, तुम कल घर पे नहीं थे मुझे मालूम है, समझे? और आज कहीं बाहर नहीं जाओगे। हाँ जरा समझाइए इसे, सारा दिन धूप में इधर उधर घूमते रहता है, कहीं लू लग कर बीमार पड़ जाए तो। चलो, सुब्बू कहाँ है? दादी माँ के पास है। कई दिनों से तुमने अपनी किताबों को हाथ नहीं लगाया। छुट्टियों में भी मुझे पढ़ना होगा क्या? क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम बीए पास कर चुके हो? लेकिन पिताजी, ओहो, आपने कहा था कि परीक्षा के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं, जो चाहे करो। तुम पहले अपनी किताब और मेज पर जमी हुई धूल को साफ करो। मकोड़ा हटाओ इसे, हटाओ। मकोड़े को फेंक दो बाहर, फेंक दो। क्या कर रहे हो? एक मकोड़ा फेंकने को सारा दिन लगा? नहीं पिताजी। फेंका, साफ करो। हाँ। ये भी कोई तरीका है? जल्दी जाओ और एक पोछने का कपड़ा ले। स्वामी। दादी माँ, मुझे पोछने का कपड़ा दो जल्दी। मैं कहाँ से लाऊं पोछने का कपड़ा? मैं कहाँ से लाऊं? अगर छुट्टियों में भी पढ़ना हो तो छुट्टियाँ देते क्यों है? क्या हुआ रे चामी? दादी माँ, अगर पिताजी को काम नहीं तो वो सो क्यों नहीं जाते? कपड़ा मिला? नहीं, माँ से पूछता हूँ। माँ तुम तो बहुत अच्छी हो, हम गरीबों को अकेला छोड़ दो ना। पिताजी से मेरी शिकायत क्यों की? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चलो मुझे एक कपड़ा दो जल्दी। कौन सा कपड़ा? मुझे क्या मालूम, पिताजी कहते हैं मेज और किताबें साफ करो, छुट्टी बिताने का अच्छा तरीका है। मैं नहीं उठ सकती अब। नहीं उठ सकती? ए स्वामी, स्वामी आ गए। अच्छा साफ करो, इतने बड़े हो गए ढंग से काम करना नहीं सीखा। हाँ वहाँ भी अब एरिथमेटिक करते हैं, आ जाओ। पिताजी सुनिए, 9.5 एक्सरसाइज नंबर 3। ये लड़का हद से आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए ना, बच्चे का कपड़ा खींच कर ले आया। इस घर में है कोई इसे संभालने वाला? ये छुट्टियां भी खत्म नहीं होती। आपसे बात करना तो बेकार है, आप और इसमें कोई फर्क नहीं। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, इस घर में डिसिप्लिन की जरूरत है। कहाँ पहुंचे हम? स्वामी जरा सुबू को संभाल लोगे? मुझे दही जमाना है। अभी नहीं, मुझे काम है। मुझे दे, मैं संभाल लूंगी। हाँ।
ये डीएसपी कसाई है कसाई। क्यों? क्या हुआ? 50 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया है, सबकी हालत नाजुक है, एक दो लोग तो मर भी गए हैं। हे भगवान। सुना है स्कूल के बच्चों ने भी काफी गड़बड़ की। स्वामी तुम क्या कर रहे हैं? हड़ताल थी पिताजी, गड़बड़ी गड़बड़, किसी ने मेरी टोपी छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसने छीन ली? पता नहीं, भीड़ थी, कोई गुंडा था। क्यों छीन ली? विदेशी थी ना। किसने कहा विदेशी थी? खादी भंडार से पूरे 4 आने में लाया था मैं, खद्दर की काली टोपी थी वो, तुमने कैसे तय कर लिया कहाँ की है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे ना कहा तो वो मुझे मारने निकला। तुम्हारे कोट का कपड़ा और टोपी मैंने एक ही दिन खद्दर की दुकान से खरीदे थे, अगर कोई कहे कि ये खद्दर नहीं है तो वो अंधा होगा अंधा। लोग कह रहे थे कि वो लैंकाशायर में बना हुआ कपड़ा। नॉनसेंस, लोग अपना अपना काम क्यों नहीं संभालते? मैं उन विदेशी लंगूरों को एक पैसा नहीं दूंगा, अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य मुझे मालूम है, समझे? और तुम बच्चों को राजनीति के झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है? ऐसे ही हमारे देश में झमेले कम है क्या? कुछ अकल आई तुम्हारे बेटे को? कोई फायदा नहीं, उसने तो तय कर लिया है कि वो स्कूल में कभी नहीं लौटेगा। ये कैसे चलेगा? 8 दिन हुए गधे की तरह घर में बैठा है। किसी दूसरे स्कूल को नहीं भेज सकते उसे? अभी साल के बीच आसान नहीं है लक्ष्मी। कहाँ है वो? स्वामी 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 यहाँ आओ। सुनो, मैं तुम्हें बोर्ड स्कूल में दाखिल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन याद रखो मालगुड़े में सिर्फ 2 स्कूल हैं, अगर वहां जाकर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो फिर भेजने को मालगुड़े में और कोई स्कूल नहीं है, और मैं तुम्हें यूं ही घर में बैठने नहीं दूंगा, समझे? जी पिताजी।
कंग्रेचुलेशंस, बड़े नसीब वाले हो बेटे। स्कूल से छुट्टी लेने बुखार का बहाना क्या बनाया, कितने लोग आ गए तुम्हारी तरफदारी करने। वाह वाह वाह। माँ अब मैं ठीक हो गया हूँ, सोचा हूँ कि स्कूल चला जाऊँ। ठीक तो दिख रहे हो, पर अभी तक स्कूल जाने लायक नहीं हो, चलो सो जाओ। नहीं माँ, इतनी पढ़ाई है, अरिथमेटिक की क्लास छूट ना जाए मेरी, मैं अपने किताबें लेकर स्कूल चला जाता हूँ। आइए। स्वामी मेरा बेटा है। ओ बैठिए ना। स्वामी यहाँ आया है? नहीं तो, आज दिन भर नहीं आया। अच्छा, बात क्या है? वो शायद कोई बात नहीं, थैंक यू। अरुणदास साहब, तुमने मेरे बेटे स्वामी को देखा है? हाँ? वो नहीं साहब। श्री राम, कहाँ गया होगा ये लड़का, भगवान करे उसे कुछ ना हुआ हो। नल्लापा के बगीचे में ढूंढा? हाँ माँ जी, पर नहीं मिला। कुछ पता चला? वो अभी घर नहीं? नहीं, मुझे तो कहीं भी उसका पता नहीं। मणि का घर ढूंढे नहीं मिला, और राजम के घर वालों ने कहा कि उन्होंने आज स्वामी को देखा ही नहीं। सारा मालगुड़ी ढूंढना है, रेलवे स्टेशन, अपने अस्पताल में देखा। लक्ष्मी सच सच बता, आज सवेरे डांटा था तूने उसे? माँ कितनी बार वही बात दोहरा हूँ मैं, कह तो रहा हूँ मैंने आज स्वामी को देखा भी नहीं। देख सीनो, अगर उसे कुछ हुआ। हो रहा है स्वामी? कहाँ? स्वामी, स्वामी। माँ, पिताजी। स्वामी मेरे बेटे, मेरे राजा रे, कहाँ चले गए थे तुम? थैंक यू वेरी वेरी मच, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आभार इनका मानिए। अच्छा, स्वामी इन्हीं को मिला? हाँ। नमस्कार। नमस्कार, आपकी वजह से हमारा स्वामी है। मेरा क्या है, सब ऊपर वाले की। हम ये समझ सकते हैं कि तुम स्कूल से भाग निकले, लेकिन तुम जंगल में पहुँचे कैसे? मुझे लगा अगर मैं मार्केट रोड पर सीधा चलता जाऊँ तो मद्रास पहुँच जाऊँगा। मद्रास? मद्रास क्यों? शायद और कहीं मुझे नौकरी ना मिले। नौकरी? स्वामी तुम स्कूल नहीं जाना चाहते? मद्रास में भी कोई स्कूल मुझे नहीं लेगा। हाँ? ये बोर्ड हाई स्कूल के हेडमास्टर है ना, सबको मेरे बारे में चिट्ठी लिख देंगे। तिरुपति की कृपा से ही ये वापस लौटा है। हाँ माँ जी, वरना वहाँ के जंगली जानवरों से कोई बच सकता है? तुम्हें खुशहाल देखकर हमें बहुत खुशी हुई बेटे, आप अपना ख्याल रखना। स्वामी वापस आने पर मुझे फिर तुम्हें ढूंढना तो नहीं पड़ेगा? अब तो मुझे तिरुपति की मन्नत पूरी करने की तैयारी करनी होगी। हाँ ये हुई ना बात, अब सब फिर से खाना खाने लगेंगे। मुझे और क्या चाहिए।